क्षेत्र को अपराध मुक्त बनाने के लिए कानपुर साउथ पुलिस ने की बड़ी कार्यवाही। अपने आतंक और दहशत से क्षेत्र में अपनी हनक जमाने वाले हिस्ट्री शीटर अजय ठाकुर की हुई गिरफ्तारी। गिरफ्तारी के बाद भी खुद के बचाव के लिए अजय ठाकुर और उसके साथी कर रहे हैं प्रयास। कानपुर, कहते हैं अपराध और अपराधी चाहे कितने ही बड़े क्यों न हो, एक दिन ऐसा आता है जब उन पर लगाम लग ही जाती है। ऐसा ही कुछ मामला कानपुर के साउथ जोन में भी देखने को मिला, जहां अपने आतंक और आए दिन आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर कानपुर पुलिस और जनता के नाक में दम करने वाले हिस्ट्री शीटर अजय ठाकुर और उसके साथियों की गिरफ्तारी कर ली गई। बताते चले, हिस्ट्री शीटर अजय ठाकुर के ऊपर पहले से दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। हाल ही में हिस्ट्री शीटर अजय ठाकुर और उसके अन्य साथियों ने मिलकर कानपुर के साउथ जोन में अपना आतंक मचा रखा था, जिस पर लगाम लगाने के लिए कानपुर साउथ जोन में तैनात तेज तर्रार डीसीपी और एससीपी आलोक सिंह के नेतृत्व में हिस्ट्री शीटर अजय ठाकुर और उसके साथियों को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया गया। 20 अगस्त को टीम को बड़ी सफलता मिली और हिस्ट्री शीटर अजय ठाकुर और उसके दो अन्य साथियों को एसीपी आलोक सिंह के द्वारा की गई गठित टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद भी अजय ठाकुर और उसके अन्य साथी खुद का बचाव करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते रहे। हैरत की बात तो यह है कि लॉकअप में अजय ठाकुर से मिलने गई हिस्ट्री शीटर अजय ठाकुर की मां ने अजय ठाकुर के हाथ में ब्लेड दे दी, जिससे हिस्ट्री शीटर ने अपना हाथ काट कर खुद को पुलिस के द्वारा की गई कार्यवाही से बचने का प्रयास करने लगा। आनन फानन में पुलिस कर्मियों ने हिस्ट्री शीटर को हॉस्पिटल में ले जाकर उपचार कराया और पूछताछ में हिस्ट्री शीटर ने बताया कि उसने अपना हाथ पुलिस द्वारा आगे की कार्यवाही से बचने के लिए काटा था। देर रात कानपुर के तेज सर्रार आईपीएस सलमान ताज पाटिल द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया गया कि कानपुर साउथ जोन में आए दिन आतंक मचाने वाले हिस्ट्री शीटर अजय ठाकुर को क्राइम ब्रांच और किदवई नगर पुलिस द्वारा बारा देवी मंदिर के पीछे से गिरफ्तार किया गया था। उसी बीच हिस्ट्री शीटर से मिलने उसकी मां को भेजा गया तो उसकी मां द्वारा अपने बेटे को ब्लेड दे दी गई, जिससे हिस्ट्री शीटर द्वारा अपना हाथ काट लिया गया, जिसका उपचार कराकर पुलिस द्वारा आगे की कार्यवाही की जा रही है। जहां पुलिस द्वारा हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं क्षेत्र की जनता पुलिस का धन्यवाद कर रही है। आए दिन क्षेत्र में आतंक मचाने वाले हिस्ट्री शीटर अजय ठाकुर की गिरफ्तारी के बाद अब साउथ जोन में जनता और पुलिस चैन की सांस ले पाएंगी। ये थाना किदवई नगर में आज एक हिस्ट्री शीटर जो तीन थानों से इस वक्त वांछित भी था, इसका नाम है अजय ठाकुर, इसके खिलाफ लगभग 18 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। बहुत ही संगीन धाराओं में सब मुकदमे दर्ज हैं और रिसेंटली इसमें किदवई नगर में एक इसने घटना की थी, जिसमें अपने ही दो पक्षों की लड़ाई के बाद अपने ही एक साथी के जांग पर इसने वार किया था ताकि वो सामने वाले पक्ष को फंसा सके और ये सूचना प्रसारित कर दी थी कि हिंदू मुस्लिम का कोई विवाद हो गया है, जिससे बहुत सनसनी फैली थी। तो ये गंभीर मानसिकता का ये इस तरीके का अपराधी है। आज पुलिस जब इसको तलाश रही थी, एक सूचना के आधार पर इसको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद जब इसको थाने लाया गया तो इसके परिवारजन, इसके माता पिता इसको मिलने के लिए आए और जब इनको मिलने के लिए, बात करने के लिए मौका दिया गया तो माँ ने तुरंत इसको एक ब्लेड दिया, जिससे इसने अपने हाथ पर कट लगाकर एक जख्म कर लिया, जिससे थोड़ी सी ब्लीडिंग होने लगी। तत्काल इसको अस्पताल ले जाया गया। इसका उद्देश्य ये था कि एक सेंसिटिविटी फिर से यहाँ क्रिएट की जाए और अपनी इसमें पुलिस जेल ना भेजे, ये इसकी मानसिकता थी। इससे जब बातचीत की गई तो तुरंत इसको मेडिकल एड दिया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि ये बहुत मामूली सी चोट है, ये कोई खतरे की बात नहीं है। तो इसको फर्स्ट एड के बाद इसको अभी तत्काल जेल में भेजा जा रहा है, रिमांड इसका कराने के लिए मजिस्ट्रेट साहब के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। अभी हमारे जो गार्ड मौजूद थे सामने, उन्होंने प्रथम दृष्टया बताया कि उनकी माँ ने इस तरीके का काम करने के लिए इनको ब्लेड दिया था। इसकी मौके पर मैं स्वयं थाने पर आया हूँ, इसकी ब्लेड पाई गई है जहाँ पर ये बैठा था। निश्चित इसका भी एक अभियोग पंजीकृत कर इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये तो हमारे जो गार्ड मौजूद थे वहाँ पर, इनका स्वयं का कहना है कि इनकी माँ ने अपने एक ब्लेड छुपाकर वो लेकर आई थी और बात करते समय तुरंत उसके लड़के के हाथ में पकड़ा दिया और लड़के का ये कहना था कि इसमें इस तरीके का कोई सेंसिटिविटी क्रिएट करके पुलिस को प्रेशर में ले और ताकि पुलिस इसका रिमांड ना ले और इसको छोड़ दे।
पर ये संभव नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा अपराधी है, दर्जनों इसके मुकदमे इस पर दर्ज हैं और समाज के लिए और सभी के लिए एक खतरा बना हुआ था, इस पर इसको उचित कार्रवाई के लिए माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।